यहाँ से सी एफ एक्स लिया, अब मैं सी एफ एक्स यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नई ज्योमेट्री तैयार करेंगे। और यहाँ से पहले यूनिट चेंज कर लेते हैं, यूनिट कर लेते हैं एमएम, ठीक है, और ज्योमेट्री। एमएम में आ गया, ठीक है ना। एमएम में बनाते हैं एक्स वाई प्लेन और इसको इसके ऊपर स्केच करते हैं। स्केच लिया मैं, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इसको थोड़ी सी डायमेंशनिंग दे देते हैं, मैं सभी जनरल डायमेंशन में जाता हूँ, एच वन इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इसको सेंटर में ले आता हूँ, इसके एच टू को डाल देता हूँ 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ ये वाली, ये कितनी है V3 39, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। और वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक मैं डाल देता हूँ इसको 30, इसको 15 डाल देते हैं। तो ये मेरा कुछ बॉक्स है, जनरेट किया मैंने इसको, और यहाँ से किया मैंने एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करेंगे, एक्सट्रूड रख लो इसे 20 काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। 20 रख लो या 15 रख लो, ठीक है ना, 15 रख लेते हैं जनरेट, ठीक है। ये कोई मेरा बॉक्स है। अब यहाँ से इनलेट और आउटलेट के लिए बनाने पड़ेंगे सेक्शंस। तो यहाँ से मैं जन प्लेन लेता हूँ, प्लेन लेना है मेरे को फेस के ऊपर, फेस ये वाला लिया और अप्लाई, अप्लाई करने के बाद जनरेट, इसी प्लेन पर स्केच कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको करेंगे नॉर्मल। अब इसके अंदर एक ओपनिंग बना लेते हैं, ओपनिंग बना लेते हैं यहाँ से, मैं कुछ बना लेता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ ये देखो, या फिर काम करें यहाँ से ओवल बना लेता हूँ, यहाँ से मैं एक ओपनिंग बना लेता हूँ। ये मैंने एक ओपनिंग बना ली, ठीक है। जनरेट इसको क्या करेंगे, यहाँ से किया स्टूड, इसको करेंगे अप्लाई मटेरियल की जगह इम्प्रिंट फेस, और इसको करेंगे जनरेट, ठीक है ना। अभी एक सेपरेट फेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आउटलेट बना देते हैं। यहाँ से मैंने किया, सबसे पहले एक प्लेन जनरेट करेंगे, प्लेन मुझे चाहिए फेस के ऊपर, फेस है मेरे पास ये फेस, अप्लाई, अप्लाई करने के बाद जनरेट, जो नया प्लेन लिया है इसी के ऊपर स्केच करेंगे, ठीक है ना, स्केच, और इसको नॉर्मल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक ओपनिंग बना लेते हैं, ये मेरी ओपनिंग है, ठीक है ना, एक्सेट। इसको भी इम्प्रिंट फेस करेंगे, जनरेट किया एक्सट्रूड, और इसको कर लेंगे अप्लाई मटेरियल की जगह इम्प्रिंट फेसेस, और इसको जनरेट, ठीक है ना। ये मेरे फेस हो गए, यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनेंगे, फिर दोबारा से प्लेन लेना पड़ेगा, प्लेन जनरेट, प्लेन चाहिए मेरे को प्लेन पे नहीं फेस पे, और फेस है मेरे पास ये अप्लाई और जनरेट, और इसको कर लेना नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट है मेरा, और यहाँ से जनरेट, इसको एक्सट्रूड, इसको नीचे की तरह कर लो, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन है, और 15 से थोड़ा कम कर लेना, इसको कर लेना 12, ठीक है ना। एड मटेरियल की जगह कर लेंगे इसको स्लाइस मटेरियल, स्लाइस कर लो, या इसको कर लेते हैं पहले कट मटेरियल कर लेते हैं, अंदर से मटेरियल कट गया, ठीक है ना। फिर दोबारा से यही वाले जो स्केच हैं इनको दोबारा से एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्सट्रूड रिवर्स डायरेक्शन में, और इसको कर लेंगे इस बार कट मटेरियल हो गया, और इसको
पहले उन्हीं से मैंने काटा, फिर एक्सट्रूड किया। यहाँ पे मैं इस बॉडी को हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कर देते हैं शो बॉडी, ठीक है ना। इसको रीनेम कर देते हैं, इसको डाल देते हैं B1 यानी कि बॉडी 1, इसको रीनेम कर देते हैं B2 यानी कि बॉडी 2, ठीक है ना। ये हॉट बॉडीज़ हैं जो अंदर हीट पैदा करेंगी, ठीक है ना, हीट जनरेट करेंगी। और इसके अंदर से मैं एयर फ्लो कराऊंगा और देखूंगा हीट कहाँ कहाँ फैल रही है इनके हिसाब से, ठीक है। इनके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बॉडी बन गई, तो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब बारी आती है मैशिंग की, तो डबल क्लिक किया, यहाँ से करेंगे जनरेट मैश। बॉडी, ठीक है, ये रही मेरी दो हॉट बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं नेम सिलेक्शन। मैंने यहाँ से लिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट नेम सिलेक्शन, यहाँ से मैं कर देता हूँ इनलेट, ठीक है। इसके पीछे से मैं कर देता हूँ आउटलेट, ठीक है। इनलेट और आउटलेट दे दिया मैंने। अब मुझे बॉडीज पे क्लिक करना है, तो पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और इन बॉडीज़ को मैं इनका नाम डिफाइन कर देता हूँ, बॉडी 1 और फिर बाद में इसको, और इसको अलग दे देते हैं बॉडी 2, ठीक है। बॉडी 1 और बॉडी 2 मैशिंग में चलते हैं, इसको मैश कर लेते हैं, वो उसकी जगह मीडियम कर लेना और इसको कर देना चाहिए। तो मेरी बॉडीज़ की मैशिंग हो गई, इसको मैं शो कर लेता हूँ, शो करना मत भूलना, ठीक है ना। ये मेरे पास अब बॉडी है, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको कर देना अपडेट, लाइक क्लिक करना, पहले क्लिक करना है अपडेट, अगर इस अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ही अपडेट होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेटअप पे, तो मैं सेटअप पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास बॉडी आ गई, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे बॉडी है, सबसे पहले क्या काम करना है, डिफ़ॉल्ट डोमेन पे आते हैं। ये जो बाहर वाली बॉडी है ये तो है हमारा फ्लूट डोमेन, ठीक है ना, फ्लूट डोमेन। तो यहाँ से एयर है, आइटम कैसे क्या है, मैं एयर ले लेता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एयर है मेरे पास, कंटिन्यूस फ्लूड है, फ्लूड मॉडल में चलते हैं। इसमें आइसोथर्मल की जगह थर्मल एनर्जी कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें करता हूँ मैं थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी कर दिया और इसको अप्लाई और ओके, ठीक है। अब राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट बाउंड्री, बाउंड्री मेरे पास क्या था, इनलेट, ठीक है। इनलेट में जाते हैं, स्पीड डाल देता हूँ 1 और एक स्टैटिक टेम्परेचर रख लेते हैं, ठंडी रख लेते हैं, है ना, या फिर 10 डिग्री रख लेते हैं, या फिर जो भी ठीक लगे उतना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, अप्लाई और ओके, ठीक है। और फिर राइट क्लिक, इंसर्ट और बाउंड्री, इसको करेंगे आउटलेट, ठीक है। आउटलेट पर टेम्परेचर 0 रख लेते हैं, ठीक है ना, एवरेज स्टैटिक प्रेशर, बाउंड्री डिटेल्स, आउटलेट नॉर्मल स्पीड, इसको 1 मीटर पर सेकेंड ही रख लेते हैं, अप्लाई या इसको 0 कर देते हैं आउटलेट, ठीक है ना। अब बात आती है अंदर की बाउंड्री, जहाँ से लेते हैं डोमेन और ओके।
डोमेन पे चलते हैं, डोमेन है बॉडी वन, ठीक है ना, बी वन हाईलाइट हो रहा है, और इसका यहाँ से कर देते हैं, ये है फ्लूड नहीं, ये है सॉलिड डोमेन, ठीक है ना, ये सॉलिड डोमेन है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है या कॉपर का बना सकते हो, स्टील का बना सकते हो, जो भी बनाना है तुम यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे तरह तरह के मटेरियल है मेरे पास, अगर और है तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या लें, कॉपर का ले लेते हैं, है ना, कॉपर का ले लेते हैं, कंटिन्यूस सॉलिड है, डोमेन मॉडल, मोशन स्टेशनरी है, रोटेटिंग है, रोटेटिंग इफेक्ट है या फिर स्टेशनरी है, इनका स्टेशनरी है फिलहाल, ठीक है ना। सॉलिड मॉडल में आते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलेंगे आइसोथर्मल, तो यहाँ सॉलिड का टेम्परेचर डाल सकते हैं, उसका कितना टेम्परेचर है, सपोज मैं इसको रख देता हूँ, इसको रख देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इसको 200 अप्लाई और ओके। उसके बाद वापस मैंने यहाँ से डोमेन पर क्लिक किया, डोमेन पर क्लिक करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से लोकेशन में आता है बॉडी टू, ठीक है ना, बॉडी नाम डालने में यही फ़ायदा होता है, सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, ये भी सॉलिड डोमेन है, ये भी कॉपर का बना देते हैं, ठीक है ना, सॉलिड मॉडल में जाते हैं, इसका टेम्परेचर कुछ और कर देते हैं, इसका टेम्परेचर मैं 600 कर देता हूँ, ठीक है, एयर आ रही है मेरी लगभग 5 डिग्री से, वैसे तो 5 से ज़्यादा ही होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 होता है ना, और अप्लाई और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद सब हो गया मेरे पास, सॉल्वर कंट्रोल में चलते हैं, इटरेशन थोड़ी सी कम कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं, ठीक है ना, अप्लाई और ओके। उसके बाद यहाँ से चलते हैं आउटपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल में मॉनिटर, मॉनिटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मॉनिटर अप्लाई और ओके, ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ से सॉल्यूशन पर डबल क्लिक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रन, ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन हो जाना है।
होता देखेगा सर, है ना, होता होता सब देखेगा। स्टेट प्रो की तरह ही है क्लाइंबिंग, इसमें ऐसा लगता होता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा। इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट के अंदर, डबल क्लिक, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट। ऑडियो को अपनी हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये इनका कलर चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, सिर्फ एयर पे टेम्परेचर दिखेगा। पहले तो यहाँ से अपना देख लेते हैं, अपना स्ट्रीमलाइन ले लेते हैं, ऑल डोमेन की जगह यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट फ्रॉम इनलेट, ठीक है ना, अप्लाई। तो ऐसे तुम्हें एयर की वेलोसिटी दिख जाएगी, ठीक है ना, कैसे कैसे एयर फ्लो है। ये असल में इसके पास से आके टर्बुलेंस क्रिएट होगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। टर्बुलेंस क्रिएट हो गया ना, इसलिए नहीं आ रही। ये इसके वॉल कर हो गई ना, तो ये इससे टकरा के हैंग हो गई है, ठीक है ना। तो टर्बुलेंस हो गया, तुम क्या करना, तुम इसे ज़्यादा चौड़ा मत बनाना, यहाँ से कुछ अलग सा बना लेना, अलग कुछ बॉडीज बना लेना, ठीक है ना। यहाँ से अब आते हैं टेम्परेचर वाले काउंटर पर, हमें जो मेन देखना है वो है हमारा टेम्परेचर। तो यहाँ से इसको अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रीम लाइन को हटा देते हैं। अब यहाँ से लेते हैं काउंटर, काउंटर की यहाँ से काउंटर लिया और ओके, ठीक है ना। प्रेशर की जगह मेरे को देखना टोटल टेम्परेचर और अप्लाई, ऐसा आ रहा है तो मुझे ऐसा नहीं देखना, मुझे देखना है लोकेशन डालनी है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन जनरेट कर लेता हूँ। प्लेन, प्लेन कैसे पे, एक्स और वाई पे ले लेते हैं ना, एक्स वाई पे प्लेन जनरेट कर लेता हूँ, एक्स और वाई पे। और यहाँ से काउंट टू की तरह लिखा, तो ये है, इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले आता है। सेंटर में ठीक है ना, बीच से मैं थोड़ा सा, ठीक है। और अप्लाई, अब यहाँ से फिर लेना काउंटर टू, ठीक है ना, यहाँ पर डाल देना टेम्प, टेम्परेचर, तो उसी नाम से आ जाएगा ये, ठीक है ना। टेम्परेचर आ गया, प्रेशर की जगह मुझे देखना टोटल टेम्परेचर, और लोकेशन पे डाल देना प्लेन और ओके, ठीक है। ये टेम्परेचर है, और यहाँ से पुराना वाला काउंटर हटा देंगे, प्लेन को हाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये टेम्परेचर आ रहा है, इसी के आसपास ही नज़र आ रहा है बस। यहाँ से एक काम और कर सकते हो, इसमें डायरेक्शन में भी देख सकते हो, तो टोटल प्रेशर कितना है, प्रेशर भी देख सकते हो उसी पर, तो प्रेशर नज़र आएगा, ठीक है ना, कितना कितना प्रेशर है सबके ऊपर। वैसे लेंगे टेम्परेचर, और ये तुम्हें टोटल टेम्परेचर में ही दिखाई देगा सही से। यहाँ से लेना टोटल टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर कितना बैठा, ठीक है, और ठीक है। टेम्परेचर यहीं पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि एयर तो हमारी यहीं घूम रही है अंदर, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना। मैक्स यहाँ पे कहीं आ रहा है बस, ये
तो मेरी बॉडी थोड़ी अजीब सी बनी है, तुम थोड़ी अच्छी सी बॉडी बना लेना उस पर, कुछ अलग आया। ठीक है, तो इसके यहाँ से कर देता हूँ मैं कट। एक चीज़ और कर सकते हैं इसके यहाँ, ले सकते हो वॉल्यूम रेंडरिंग, इसको टेम्परेचर कर रखना। ठीक है, तो ये तुम्हें पूरा रेंडर होते हुए दिखेगा अंदर कहाँ कहाँ कितनी टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको कट करते हैं ना एक वीडियो।